भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बरगोहन ने टोक्यो ओलंपिक में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर न सिर्फ भारतीयों को गौरवान्वित किया है बल्कि वह टोक्यो ओलंपिक 2021 के क्वार्टर फाइनल में भी प्रवेश कर चुकी हैं। बता दें, दो बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बरगोहन ने जर्मनी की नाडिन अपेज के खिलाफ 3-2 का स्कोर बनाकर यह जीत हासिल की है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जानेंगे लवलीना बरगोहन वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलर कैसे बनी और कैसे उन्होंने इस मुश्किल सफर को तय किया। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लवलीना बरगोहन एक भारतीय बॉक्सर हैं। उनका जन्म असम के एक छोटे से शहर गोलाघाट में हुआ है। लवलीना के पिता टिकिन का अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस है और माता मामूनी एक हाउसवाइफ हैं। लवलीना बरगोहन की बहन लीमा और लीना नेशनल किक बॉक्सर चैंपियनशिप हैं। उन्होंने ही लवलीना को इनकरेज किया था कि वह किक बॉक्सर चैंपियनशिप बन जाए। कुछ समय तक लवलीना ने किक बॉक्सिंग में अपना हाथ आजमाया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना करियर किक बॉक्सिंग में स्विच कर लिया क्योंकि किक बॉक्सिंग ने पोटेंशियल लवलीना को बॉक्सिंग में नजर आया। यहां से उनकी करियर की शुरुआत हुई। लवलीना के बॉक्सिंग टैलेंट को नेशनल बॉक्सिंग कोच पोडम बोरो ने पहचाना। जब लवलीना स्कूल द्वारा कंडक्ट किए गए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रायल दे रही थी, साल 2012 में लवलीना ने अपने बॉक्सिंग ट्रेनिंग पोडम बोरो के निगरानी में शुरू की थी। बॉक्सर मैरी कॉम लवलीना की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी और लवलीना की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, लेकिन चीजें तब सही हो गई जब लवलीना ने बॉक्सिंग में अपना नाम कमाया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लवलीना ने वुमेन्स बॉक्सिंग कोच शिव सिंह से ली। कोच पडम बोरो से ट्रेनिंग लेने के बाद लवलीना ने जूनियर और सीनियर लेवल बॉक्सिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और उसमें बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बदौलत लवलीना का इंटरनेशनल करियर भी जल्द शुरू हो गया था। लवलीना ने 2017 में अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू प्रेसिडेंट कप इन अस्ताना कजाकिस्तान में किया था। वह वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी और वहाँ उन्होंने 75 किलोग्राम कैटेगरी में अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में 30 जुलाई 2021 को दिन शुक्रवार को सुबह क्वार्टर फाइनल मैच में चीन की बॉक्सर ताइपे की नीन चिन चैन को 3-2 से हरा कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे भारत को कांस्य पदक मिलने की उम्मीद पक्की हो गई है। अब लोगों को लवलीना से भारत के लिए रजत या स्वर्ण पदक की उम्मीदें हैं और लवलीना का अगला मैच 4 अगस्त को होगा और अब देखना होगा कि भारत को इस टोक्यो ओलंपिक में दूसरा कौन सा मेडल हासिल होता है। ये थी लवलीना के जीवन की कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।